नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी का मेरे एक नए डेली व्लॉग में फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो रेसिपी वीडियो भी होगा और सेलिब्रेशन वीडियो भी होगा, क्योंकि आज हमारा जो रेस्टोरेंट का फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो हम अपने स्टाफ के साथ मिलकर केक काटेंगे और वो शाम को करेंगे। और वो होने से पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्यों रेगुलर नहीं रह पाता था, या फिर कभी कभी रेगुलर नहीं रह पाऊंगा। अभी मैं डेली व्लॉग भी क्यों कर रहा हूँ, बाहर जो ट्रैवल व्लॉग में किया करता था वो नहीं करके। एक्चुअली आजकल के ज़माने में मेट मिलना बहुत मुश्किल होता है, एक मिला था वो चला गया। तो जब मेट नहीं होता है तो मेरे घर में रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डॉगीज़ को खाना देना होता है, प्लस मम्मी पापा के लिए खाना बनाना होता है। तो इसलिए मुझे घर में ज़्यादातर रहना पड़ता है। अगर मम्मी पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी, या फिर कोई मेड आ जाएगा, या फिर आ जाएगी, तो मैं कहीं भी फ्रीली घूम सकता हूँ। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि मेरा जो कहीं ना कहीं कम मेहनत करने का रीज़न एक वो भी है, क्योंकि घर बैठे बैठे मैं क्या ही कंटेंट बनाऊँ। और जब हमारे बचपन में पेरेंट्स ने हमें देखा था, तो अभी हमारी बारी है कि हम अपने जवानी में अपने पेरेंट्स को देखें। तो वही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स के चक्कर में अगर मेरा व्यूज़ डाउन भी हो गया, यूट्यूब डेड भी हो गया, तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स पहले प्रायोरिटी है। पेरेंट्स को मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकता। अपने पेरेंट्स के लिए अपना करियर दांव में लगाने के लिए भी रेडी हूँ मैं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ घर बैठे बैठे व्लॉग बनाने की। आज के व्लॉग में मैं बहुत सिंपल सा डिश रखने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ अंडा करी। ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल कुकिंग नहीं आता होगा, क्योंकि अंडा करी तो मैक्सिमम लोगों को बनाना आता होगा, लेकिन जिनको बनाना नहीं आता है वो आप मेरे स्टाइल में सीख सकते हो। और ये मैं सिर्फ व्लॉग के लिए नहीं बना रहा, एक्चुअली मुझे सच में भी घर वालों के लिए बनाना है। तो सोचा क्यों ना मैं इसी को आज की रेसिपी वीडियो में डाल दूँ, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। प्लस अगला एपिसोड आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं बनाने वाला हूँ रेटाटुली डिश। जो आपने रेटाटुली मूवी देखा होगा ना, मुझे पता नहीं था कि वो डिश सच में एग्जिस्ट करता है, बट मैंने गूगल में सर्च किया, उसके उसके रेसिपी ढूंढा, तो काफ़ी इजी है बनाना। तो मैं आप लोगों को रेटाटुली का डिश बना के अगले एपिसोड में दिखाऊंगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। जो वो रेड वाला मूवी होता है ना डिस्नी का, पिक्सार का, वो वाला। अंडा करी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कुकर। सिंस हमारे घर में तीन ही मेम्बर्स है अभी, तो हम डालेंगे तीन अंडे। डालना है आपको आलू, ये फ्लोट भी नहीं होना है, बट पानी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना है, नहीं तो आपके अंडे फूट जाएंगे। और अभी आपको बस 10 बार सीटी बजने देना है, और जब तक तो इसका बज रहा है सिटी, तो मैं आप सभी को टेस्टी निबल्स के बारे में बताना चाहूंगा। टेस्टी निबल्स वॉज प्राइमरली अ टूना ब्रांड, नाउ दे आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ प्रोसेस्ड सी फूड कंपनी टू अ डाइवर्स फूड कंपनी। वे ऑफर करते हैं रेंज ऑफ रेडी टू ईट फिश करीज, चिकन करीज, एज वेल एज वेजिटेरियन करीज सच एज सांबर एंड एवियर एंड वेरियस वेज एंड नॉन वेज पिकल्स ग्रोसरीज। और इन्हीं में से मैं कुछ चिकन बेस्ड रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ बाय टेस्टी निबल्स। चिकन बिरयानी, चिकन स्टू, केरला चिकन करी विच इज बोनलेस, चिकन पेपर फ्राई एंड लास्टली बटर चिकन। इसमें रेटॉट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है विच मेक्स इट रेडी टू ईट विद 18 मंथ्स ऑफ शेल्फ लाइफ। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट आता है फ्राइड मसाला प्रॉन बाय टेस्टी निबल्स, एंड दिस इज नॉट रिटॉर्डेड, इसलिए इसका शेल्फ लाइफ है 9 मंथ्स का। एंड इट इज अ ड्रिंक अकंपनी स्नैक, इसे मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ ऐसा चखना विद ड्रिंक्स, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, कोई भी काइंड ऑफ ड्रिंक्स हो, बहुत ही मजा आता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। और इन फ्लेवर में से मेरा फेवरेट चिकन बिरयानी एंड चिकन स्ट्यू, ये रेडी टू ईट होता है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। बस पैकेट को खोलना है और पैन में निकालना है, गरम करना है और मजे के साथ एकदम आराम के साथ खाना है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। और चिकन स्ट्यू और बाकी प्रोडक्ट को तो आप पाउच के साथ ही डायरेक्ट गर्म पानी में उबाल के 3 से 5 मिनट पैन में गर्म करके 5 मिनट के लिए रख के खा सकते हो। इस प्रोडक्ट्स के फायदे बता देता हूँ आप सभी को। ऑब्वियसली नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स एंड 18 मंथ्स शेल्फ लाइफ, नो रेफ्रिजरेशन नीडेड फॉर स्टॉकिंग, इजी टू कैरी, कहीं भी आप ले जा सकते हो, पिकनिक में अगर आप कहीं जर्नी कर रहे हो तभी, वेरी इजी, नो हैसल्स, जस्ट ओपन, हीट एंड ईट। एक्चुअली पैकिंग टेक्नोलॉजी मेक्स दिस पॉसिबल, एकदम मिलिट्री ग्रेड का है, जो कि प्रोवाइड करता है वर्ल्ड क्लास जापानीज टेक्नोलॉजी कॉल्ड रिटॉर्टिंग। दिस ब्रांड हैज प्रोडक्ट्स विच सूट्स द टेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट फॉर पीपल वर्किंग अब्रॉड एंड स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, इस प्रोडक्ट में ह्यूज रेंज ऑफ चिकन करीज, वेज करीज एंड फिश करीज है, जो कि रेडी टू ईट होता है। अगर ये प्रोडक्ट आपको खाना है, ट्राई करना है, तो आप जाइए www.tastynibbles.in, उस वेबसाइट से आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो और खा सकते हो। और स्पेशल डिस्काउंट के लिए यूज कीजिए मेरा प्रोमो कोड लेजिंग। ले लेंगे चॉपिंग बोर्ड और प्याज, टमाटर और 5 से 6 लहसुन और कुछ ग्रीन चिलीज भी। अभी लहसुन को आपको कर लेना है चाकू से क्रश, आपको लेना है कढ़ाई, डालने हैं ऑयल, तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले डालना है लहसुन, प्याज, मिर्ची और टमाटर, और आपको क्रश करते हुए डालना है तेज पत्ता, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और कलर के लिए बस थोड़ा सा रेड चिली, और लास्टली थोड़ा सा हल्दी।
और अभी करना है इसको अच्छे से मिक्स। 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ना है। तब तक आपको पका हुआ आलू और अंडा निकालना है। आलू लगता है कुछ ज़्यादा ही पक गया है। बॉइल्ड पोटैटो को क्रश करके डाल देना है। बॉइल्ड अंडे को फ्राई करना है। और इधर हल्के से कट लगाना है अंदर, ताकि अंदर का योक का टेस्ट भी थोड़ा सा मिले। और इस वाले को मैं अपने लिए काट रहा हूँ, तो मुझे फ्राई पसंद नहीं है पर्सनली ज़्यादा फ्राई, तो मैं इसको पूरा काटूंगा। मुझे बस छिलके पसंद है और अंदर का भी पसंद है, तो ये पार्ट मेरे लिए। इसको डाल देना वापस से बर्तन में। फिर से इसको करना है मिक्स। डालना है स्वाद अनुसार नमक। और 3 मिनट पकने देने के बाद गैस के फ्लेम को उठाते हुए आपको डालना है इसमें पानी। आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना डालना है, क्योंकि सब कुछ पका हुआ है। जैसे ही ये उबल जाएगा, आप जैसे ये थोड़ा ग्रेवी और गाढ़ा हो जाएगा, आप इसको बंद कर सकते हो। पता नहीं आपके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, बट मैं हमारे लैंग्वेज में इसको रायल बोलते हैं। और मैं इसको डालने जा रहा हूँ। ये जीव को अलग सा सेंसेशन देता है, जो कि टेस्ट को और एनहेंस कर देता है। ये और तेज पत्ता कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप डालो मत डालो आपकी मर्ज़ी। और धनिया भी आप डाल सकते हो, धनिया नहीं भी डाल सकते हो, वो भी आपकी मर्ज़ी। जैसे पक जाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ये सर्व करने के लिए रेडी है, अभी आप लोग खा सकते हो आराम से। टेस्टी टेस्टी इसे कहते हैं अंडा एंड आलू करी। और गैस बता दूं कि आज हमारा जो रेस्टोरेंट का एनिवर्सरी है, और बस सिंपल से केक काटेंगे। मैं थोड़ी देर बाद केक खरीदने जाऊंगा, बट केक काटने से पहले मैं आप लोगों को फिर से अपने स्टाफ लोग से मिलवाना चाहूँगा। बहुत लोग उस दिन से मुझे बोल रहे थे कि अपना रेस्टोरेंट का ब्लॉग दिखाओ ब्लॉग दिखाओ, तो ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है। सेम रेस्टोरेंट जैसा पहले चला था वैसे ही चल रहा है। आप लोगों के सपोर्ट के वैसे अभी तक भी चल रहा है, दिन का सेल भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्टाफ 1 साल पहले थे, मेन कुक था जो पहले पहले आया था, उसको छोड़ के बाकी सब स्टाफ अभी तक वही सेम है, तो बहुत जो कि अच्छी बात है। हेड कुक, हाँ मिस्टर अजय, कैसे है? मैं हूँ नेपाली राइटर अजय। और आज कलिन जी भैया मेरा फोन का ऑर्डर कर दिया था, जो कितना 15 दिन जैसा लगा है ना, ये 15-20 दिन जैसा हो गया लग के। ओके, थोड़ा देरी हो गया ये। हाँ। जो अमेजोन से मंगाया था, तो फाइनली आज को आ चुका है। और इधर में सब मतलब पासवर्ड सासवर्ड भी लगा चुका है फोन में। इनके चैनल को आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि वो करो लेंसिंग रेस्टोरेंट का ब्लॉग दिखाओ। मेरे से ज़्यादा इनके चैनल में देखने को मिलेगा। और अभी क्या कस्टमर नहीं है? ओके, आज ही नया नया फ़ोन आया। एक्चुअली सेम फ़ोन इसका 2 महीने पहले था, तो इसने एक लड़की के लिए तोड़ दिया। मतलब लड़की के ऊपर गुस्सा होके बहुत ही छपरी और निब्बा वाला काम किया इसने। लड़की के लिए फ़ोन तोड़ना बहुत गलत बात है, आप लोग ऐसा मत करना। और लड़की ठुकरा के मेरा प्यार चली गई, इंतकाम देखेगी कुछ था ना, इसका काट के चली गई। तो जिस लड़की के लिए इसने फ़ोन तोड़ा गुस्से में आके, लड़की ने शायद कुछ बोला होगा, शायद इसको इग्नोर कर रही थी, तो जिसके लिए फ़ोन तोड़ा वही लड़की अभी इसको छोड़ के चली गई। तो क्या फ़ायदा हुआ ना, एक लड़की के लिए फ़ोन भी तोड़ दिया, लड़की भी नहीं मिला। इसलिए बोलता है कि काम में ज़्यादा फोकस करो, अभी यू आर वेरी यंग ना, पहले अपना करियर बना लो, लड़की मिल जाएगा आराम से। अब अगर सक्सेसफुल इंसान बनोगे, अच्छा इंसान बनोगे, तो अच्छा लड़की भी आपको मिल जाएगा। तो अभी जो काट के चली गई अच्छा है, क्योंकि अभी चली गई अच्छा है ना, क्योंकि फ्यूचर में छोड़ के जाने से तो बहुत अच्छा है। फ्यूचर में उनसे तो और ज़्यादा पेन होना था ना, तो वो पेन थोड़ा कम हुआ, नहीं तो ज़्यादा पेन होता। और ये यहाँ पे आज काम नहीं कर रहा था, पागल होके साइको के रास्ते में कहीं घूम रहा होता है। कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक चल रहा है अभी? तो ठीक चल रहा है, वही ये वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब में, तो अभी फ़ोन भी आ गया। अभी 15 दिन में जब हम लोग को छुट्टी मिलेगा, तब कंटिन्यू ब्लॉग डालेगा। तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को फिर से बीच बीच में रेस्टोरेंट का ब्लॉग डाल दो, फिर से मतलब चेक कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल को, वही है नेपाली राइडर अजय। नेपाली राइडर, तो हमको भी सपोर्ट कीजिए और लेंजी भैया को भी सपोर्ट कीजिए। रेस्टोरेंट में भी आते रहिए, अभी मेरा हाथ का जो आप लोगों ने तो कभी तो मतलब नहीं खाया होगा। स्पेशली मोमो और मोमो फ्राइड राइस का बहुत तारीफ चल रहा है यहाँ पे। मोमो अभी पूरा नंबर 1 में आ रहा है हम लोग का, तो आप लोग आके जरूर टेस्ट कीजिएगा गाइस। तो स्पेशली फ्राइड मोमो टेस्ट करना। और ये है गणेश, ये अजय का पार्टनर। कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। ठीक ही चल रहा है ना? आपका चैनल नहीं है ना कुछ भी ना? मेरा चैनल था, हम खुद रिमूव कर दिया चैनल। और खुद रिमूव कर दिया ना, होगा तब तो हम जो जाके वो करेगा, अंदर का नज़ारा दिखाएगा। तो वैसे हमारा सूप जो है दिन भर इसमें भट्टी में गर्म रहता है, जिसके कारण हमारा सूप जो बहुत ही गाढ़ा होता है, टेस्टी होता है, कभी भी आपको पानी पानी सा फील नहीं होगा। ऐसे रेस्टोरेंट को दिखा रहा था। हाय नाम, हेलो, बोल वो बहन का नाम क्या है आपका? हाय आयंती। तो ये सब हमारे स्टाफ है, अभी कस्टमर का वेट कर रहे हैं। अभी एसी का ज़रूरत तो नहीं है ना अभी तक तो ना लूसी? मतलब इस बार गर्म दिन आ ही नहीं रहे ऐसे है ना?
गैस पता नहीं पासीघाट को क्या हो गया, गर्म दिन आ ही नहीं रहा है। मई का महीना है, ऑलमोस्ट जून आने वाला है, फिर भी गर्म दिन नहीं आ रहा है। मैंने सोचा था एसी लगाऊंगा करके, लेकिन एसी की फिलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और रेस्टोरेंट अभी भी एज इट इज़ वैसा ही है, आप लोग की वजह से। आप देख सकते हो कि उसी एक साल से यही पे है, मतलब काफ़ी लॉयल्टी के साथ हमारे लिए काम कर रही है, बहुत अच्छा बात है। और ऑलमोस्ट अजय भी एक साल से है, तो वो भी बहुत ही लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। और आप हमारे रेस्टोरेंट को देख सकते हो कि कुछ भी पुराना नहीं हुआ है, सब कुछ एक साल पहले जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो बस यही है, आप लोग विज़िट करना, थोड़ी देर बाद हम लोग काटेंगे केक। और ये मेरे बिल्डिंग का कुछ अपडेट है, जुम्बा क्लास भी चल रहा है और ये रेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और ऊपर में अभी जो है म्यूज़िक, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं गाना, उसका रूम बनेगा, रिकॉर्डिंग रूम बनेगा ऋषभ का, जो कि नेक्स्ट महीने से चालू हो जाएगा। मेरे बिल्डिंग का भी अपडेट ये है। और रेस्टोरेंट कुछ ऐसा दिखता है आगे से, और ऐसा हमारा KGF का जो मेन्यू है वो अपलोडेड है हंगरी जी और AP Eats में, तो AP Eats और हंगरी जी से आप लोग मंगवा सकते हो, होम डिलीवरी ले सकते हो अगर आप लोग पासीघाट में रहते हो। तो हमारा केक दिखने में कुछ ऐसा है, काफ़ी टेस्टी सा केक है, आप देख सकते हो KGF का फर्स्ट एनिवर्सरी। स्टाफ लोग के साथ काटेंगे तो वहाँ पे कस्टमर्स बहुत सारे हैं, तो कस्टमर को जा लें दो, कस्टमर जाने के बाद हम आराम से काटेंगे। तो गाइस आप सभी को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट के वजह से ही आज मैं इतना काबिल बना हूँ कि आज एक रेस्टोरेंट चला पा रहा हूँ, और रेस्टोरेंट चला पा रहा हूँ प्लस एक साल कंप्लीट हो गया है रेस्टोरेंट को, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दिन का कम से कम 10,000 रुपीज का सेल तो आ ही रहा है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जिन लोगों ने अभी तक KGF विजिट नहीं किया है, विजिट करना, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और जो डिश का टेस्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितने भी अभी हेल्पर या फिर कुक बोला आते हैं, सभी को मैं ही ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वाले कुक से सीख रखा था, तो इसलिए काम आ रहा है। मैंने चालू से, जब वो छोड़ने वाला था, मैंने चालू से सीख लिया था, इसलिए। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, सिंपल से एनिवर्सरी मनाया, जब 5वां साल होगा तब ग्रैंड से मनाऊंगा। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। गाइस डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ पे आपको टेस्टी नेबल्स के टेस्टी फूड ऑर्डर करने का ऑप्शन मिलेगा। प्लस अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो यूज़ कीजिए मेरा प्रोमो कोड लेजिंग।